हेलो, वेलकम टू एवरीवन इन माय यूट्यूब क्लासेस, इन विच साइंस क्लासेस। अब संख्या पद्धति के बाद हम प्रतिशत से जुड़े हुए प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस हैं और ये बार बार पूछे गए हैं। प्रतिशत का मतलब ही होता है प्रति सत्य। जब आंकड़े 100 के स्तर पर निकाले जाए, 100 के आधार पर निकाले जाए, तब इन्हें प्रतिशत कहा जाता है। प्रतिशत को तीन प्रकार से लिखा जा सकता है। एक तो हम शब्दों में लिख सकते हैं प्रति सत्य, ये हमारा हो गया प्रतिशत। दूसरा, जैसे प्रतिशत के लिए ये निशान होता है, और तीसरा होता है 1/100। ये हो गया प्रतिशत। आज हम जिन प्रश्नों को लेकर उपस्थित है, ये डायग्रामेटिक है, वेन डायग्राम से ये प्रश्न बड़ी सरलता से हल हो जाते हैं। इसमें पहला प्रश्न है हमारा, एक कार्यालय में 72 लोग चाय पीते हैं और 44 लोग काफी पीते हैं। उस कार्यालय का प्रत्येक कर्मचारी कोई न कोई पदार्थ अवश्य लेता है, तो बताइए दोनों पदार्थ लेने वालों की संख्या कितनी है, जबकि उस कार्यालय में कुल 250 कर्मचारी। इसके लिए एक फार्मूला भी होता है, एन ए प्लस एन बी इज इक्वल टू एन ए यूनियन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये इसका फार्मूला भी है। एन ए ए मतलब यहाँ मान लिया कि चाय पीने वाले लोगों की संख्या है, और एन बी यहाँ काफी पीने वाले लोगों की संख्या है, और एन ए यूनियन बी ये कुल लोगों की संख्या है, और यन ए इंटरसेक्शन बी ऐसे लोग जो दोनों लेते हैं, काफ़ी या चाय लेते हैं। तो हम यहाँ देखो यन ए को हमने लिख दिया 72 प्रतिशत, यानी 100 में से 72 लोग चाय पीते हैं, और अब ये है हमारा काफ़ी पीने वाले लोगों की संख्या 44 प्रतिशत है, ये मतलब 100 में 44 लोग काफी पीते हैं। तो एन बी की जगह पर हमने लिख दिया 44। एन ए यूनियन बी कुल कितने लोग हैं, 100 पे एक आंकड़ा 100% है, तो ये हो गया हमारा 100 प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये हमको निकालना है, दोनों पदार्थ लेने वाले इंटरसेक्शन वाले कॉमन, ये हमको निकालना है यन ए इंटरसेक्शन बी। ये दोनों जुट जाएगा 72 और 44, 2 और 4 6, 7 4 11, इसको पक्षांतर कर लेते हैं 100 बराबर यन ए इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन का निशान है और ये यूनियन का, घटा देंगे तो 16% लोग हैं जो दोनों लेते हैं। चाय भी लेते हैं और काफी भी लेते हैं ये। अब अगर हम इसी को डायग्राम से हल करना चाहें, जिसको वेन डायग्राम कहा जाता है, तो ये देखो, अब इसको एक पर इरेज करते हैं। ये देखो, एक ये हमने मान लिया काफी पीने वाले लोगों की संख्या है, और ये गोले में हमने चाय पीने वाले लोगों की संख्या, देखिए ये दोनों है, ये काफी के लिए है और ये चाय के लिए है, तो ये पूरा काफी के लिए, पूरा चाय के लिए है, दोनों को निकालना है, तो हमने यहाँ दोनों को मान लिया के। अब ये 72% लोग चाय पीते हैं, तो पूरा गोला 72 है, तो अगर ये के हो गया तो ये 72 - के हो गया, अगर ये 44 है तो ये हो गया 44 - के हो गया, तब तो जोड़ देंगे 44 होगा। अब ये पूरा परसेंट 100 पर होता है, तो दोनों को जोड़ दीजिए,
72 माइनस के प्लस 72 माइनस के प्लस के प्लस 44 माइनस के, ये कुल बराबर कितना है? तो देखो ये प्लस के, ये माइनस के, कट गया 72 और 44, 2 और 4 6, 7 और 4 11, 116 माइनस के बराबर कितना हुआ 100। के को उधर लाइए तो के इज इक्वल टू हो गया 116 माइनस 100, यानी कितना परसेंट हो गया 16% हो गया। लेकिन कह रहा है कि संख्या कुल 250 है, तो 250 है और इसमें 16% लोग दोनों लेते हैं, तो हम 250 का 16% निकाल लेते हैं। 250 का 16 और प्रतिशत को बटा 100, यह इससे कट गया। 5 दो 10, 5 बचे 25, 2 बटे 16, 5 बटे 40, 40 व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों लेते हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ये देख लीजिए। एक सर्वेक्षण में 70% के पास कार और 75% के पास टीवी था। 55% के पास कार और टीवी दोनों थे, तो कितने प्रतिशत के पास, कितने प्रतिशत के पास टीवी और कार दोनों में से कोई नहीं था। अब अगर हम डायग्राम्स लगाएं तो ये देखो, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2011 का है। ये डायग्राम दो ही चीजें हैं, दो वस्तुएं हैं, एक कार के लिए हमने सी ले लिया और टीवी के लिए टी ले लिया। देखो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, 70% के पास कार थी, 75% के पास टीवी थी, 55% के पास टीवी और कार दोनों, तो ये दोनों आ रहा है। यहाँ लिख दिया हमने 55। अब 70% के पास कार, 70% के पास कार और 75% के पास टीवी था, 55% के पास कार और टीवी दोनों थे, ये 70% के पास था ना टीवी, तो ये 55 को घटा लीजिए 70 में से, 70 माइनस 55 और 75% के पास ये हो गया, तो 75 में से ये 55 घटा लीजिए, मैं सीधे घटा के लिख दे रहा हूँ। 70 में से 55, 10 में से 5 गया 5, 6 में से 5 गया 1, यहाँ पर सीधे घटा लीजिए। 75 में से 55, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 5 गया 2। अब देखो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, 15% के पास केवल कार था, टीवी नहीं था, 20% के पास केवल टीवी थी, कार नहीं था, 55% के पास दोनों था, ये दोनों जोड़ लीजिए कुल। ऐसे व्यक्ति जिनके पास टीवी भी थी और कार भी था, तो जोड़िए 15 प्लस 55 प्लस 20, ये हो गया हमारा 55 पास 60 10 70 20। 90% लोग ऐसे थे जिनके पास साधन थे, तो कितने परसेंट लोग थे जिनके पास साधन था ही नहीं, तो प्रतिशत 100 पर होता, 100 माइनस 90, यानी कितने हुए 10% लोग ऐसे थे जिनके पास न तो टीवी थी और न ही कार था। एथलेटिक टीम के सदस्यों में क्रिकेट टीम के 21, हॉकी टीम में 26 तथा फुटबॉल टीम में 29 सदस्य, तीन खेल हैं इसमें, उनमें से 24 सदस्य हॉकी और क्रिकेट, 15 सदस्य हॉकी और फुटबॉल, 12 सदस्य फुटबॉल और क्रिकेट तथा 8 सदस्य तीनों खेलते हैं, तीनों एथलेटिक टीम सदस्यों की कुल कितनी संख्या है? ये टीएसटी 2013 का क्वेश्चन है। आइए देखिए, तीन है तो हम इसके लिए डायग्राम में तीन गोला बना लेते हैं सर्किल। ये हो गया क्रिकेट, ये हो गया हॉकी और ये हो गया फुटबॉल, हमने तीनों का नाम पढ़ कर लिया, क्रिकेट हॉकी फुटबॉल। अब हम यहाँ से डायग्राम यहाँ से देखो, 8 सदस्य तीनों खेलते हैं, तो ये देखो 20 वाला जिसमें क्रिकेट हॉकी फुटबॉल तीनों में,
यहाँ भर देते हैं आठ सदस्य। अब कह रहा है कि फिर ऊपर से 12 सदस्य फुटबॉल और क्रिकेट, फुटबॉल ये है और क्रिकेट ये है, ये फुटबॉल का है ये क्रिकेट, 12 सदस्य तो 8 तो ये है ही, यहाँ 4। 15 सदस्य हॉकी और फुटबॉल, हॉकी और फुटबॉल ये हॉकी और फुटबॉल 15 तो 8 ये है ही 7, ये 15 हो गया। 14 सदस्य हॉकी और क्रिकेट, हॉकी और क्रिकेट 14 ये 8 है ही 6, 8 और 6 ये 14 हो गया। अब हमारा दो दो का हो गया, सिंगल बनाते हैं। एथलेटिक टीम के सदस्यों में क्रिकेट टीम में 21, ये क्रिकेट का है, क्रिकेट का है 21, तो ये पूरा 21 होना चाहिए। 4 और 8 12 और 6 18, कितने में जुड़े 21 हुआ, ये 3, ये 21 हो गया क्रिकेट के कुल खिलाड़ियों की संख्या क्लियर। 26 फुटबॉल में, ये फुटबॉल है इसमें 26 होना चाहिए, 4 और 8 12 और 7 19, 1 7 26। और हॉकी में कितने चाहिए, हॉकी टीम में 26 और फुटबॉल में 29, हॉकी में 26, ये हॉकी का है तो अरे हॉकी का बता देते हैं, हॉकी में 26, 7 8 15 5 20 1 21 5 26 और 29 सदस्य फुटबॉल में, इसमें 4 8 12 7 19 10 29 इतने लोग हैं टोटल। तो कुल सदस्यों की संख्या जोड़ लीजिए, मैं इसे जोड़ रहा हूँ, 3 4 7 और 10 17 और 3 20 4 24 और 8 32 और ये 6 38 2 40 3 43 सबको जोड़ दिया हमने, कुल कितने हो गए 43। एक बार फिर से